सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है संस्कार और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रेनमेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी इंडियन रेलवेज के सबसे पावरफुल लोकोमोटिव यानी कि वैक 12 के बारे में। ये वीडियो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो इसकी जो लिंक है अभी आप लोगों पर आई बटन के ऊपर शो हो रही होगी, जरूर से इस वीडियो को देखिएगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन रेलवेज के सबसे पावरफुल डीजल लोकोमोटिव यानी कि WDG6G के बारे में। तो ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, एंड तक इसको जरूर से देखिएगा ताकि आप लोगों को इस लोकोमोटिव के बारे में सभी तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसी के साथ में अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आप लोगों को इंडियन रेलवे से रिलेटेड ऐसे ही टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। फटाफट से हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। WDG6G लोकोमोटिव को US बेस्ड GE यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक ने डेवलप किया है। दोस्तों, इस लोकोमोटिव को GE और इंडियन रेलवे के बीच में 2015 में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंडर में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था इसके बाद में डेवलप किया गया है। बात करें अगर हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो इस कॉन्ट्रैक्ट में इंडियन रेलवे ने जनरल इलेक्ट्रिक को 1000 डीजल लोकोमोटिव्स बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये दिया है। इस कॉन्ट्रैक्ट में जो 1000 डीजल लोकोमोटिव्स हैं इसके अंदर 700 जो लोकोमोटिव्स हैं वो हैं 4500 हॉर्स पावर के WDG4G लोकोमोटिव्स और 300 लोकोमोटिव्स जो हैं वो हैं 6000 हॉर्स पावर के WDG6G लोकोमोटिव्स। इसी कॉन्ट्रैक्ट के बाद में बिहार के मरौड़ा में GE का एक लोको शेड जो है ये भी डेवलप किया गया है, जहां पर जो जनरल इलेक्ट्रिक है वो लोकोमोटिव की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है इंडियन रेलवेज के लिए। दोस्तों, यहां पर एक सवाल आप सभी लोगों के मन में हो सकता है कि इंडियन रेलवेज ने इतना बड़ा 1000 डीजल लोकोमोटिव्स बनाने का जो ऑर्डर है ये जनरल इलेक्ट्रिक को ही क्यों दिया, क्यों इंडियन रेलवेज ने किसी इंडियन कंपनी को प्रेफर नहीं किया, या फिर इंडियन रेलवेज के पास में खुद डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी में काफ़ी सारे एक्सपीरियंस इंजीनियर्स हैं, उन लोगों को ये काम क्यों नहीं दिया गया, GE को ही ये काम क्यों दिया गया। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को WDG6G लोकोमोटिव के कुछ की फीचर्स के बारे में बताता हूँ। इन सब फीचर्स को सुनने के बाद में आप लोगों को ये चीज़ ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी कि इंडियन रेलवेज ने जनरल इलेक्ट्रिक को ही क्यों प्रेफर किया बाकी किसी कंपनी के ओवर में। दोस्तों, WDG6G लोकोमोटिव GE की इवोल्यूशन सीरीज पर बेस्ड है, जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा एफिशिएंट और पावरफुल डीजल लोकोमोटिव बनाने के लिए ऑलरेडी काफी ज्यादा फेमस है। इसी के साथ में इस लोकोमोटिव के अंदर 16 सिलेंडर V16 इवोल्यूशन सीरीज का जो इंजन है ये फिट करके दिया गया है, जो कि 4 स्ट्रोक है और पूरी तरह से इंटरचार्ज और टर्बो कूल की फैसिलिटी के साथ में आता है, जो कि इंडियन रेलवे के काफी कम लोकोमोटिव के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ में इस लोकोमोटिव के अंदर कोको टाइप के जो व्हील अरेंजमेंट है वो प्रोवाइड कराया गया है, जिससे कि इस लोकोमोटिव को काफ़ी ज़्यादा पावर मिलती है और ज़्यादा लोड खींचने के लिए। और इसी के साथ में इस लोकोमोटिव के अंदर 6 AC ट्रैक्शन मोटर्स जो हैं ये फिट करके दिए गए हैं। तो DG6G लोकोमोटिव का जो ड्राइवर कैब है इसको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आगे जाकर कभी कोई कैजुअलिटी आ जाती है या फिर अगर ये लोकोमोटिव क्रैश कर जाता है तो भी इसके अंदर जो लोको पायलट रहेंगे इनको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि इस लोकोमोटिव के अंदर क्रैश रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी जो है इसका यूज़ किया गया है, और इस लोकोमोटिव के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, जो हार्डवेयर हैं, इनको ऑप्टिमली फिट करके दिया गया है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में ये इंडियन रेलवे को काफ़ी ज़्यादा फायदा देने वाला है। इस लोकोमोटिव के अंदर इलेक्ट्रिकल फ्यूल इंजेक्शन की जो टेक्नोलॉजी है ये भी यूज़ करी गई है, जिसका मतलब ये है कि ये हमारे इंडियन रेलवे के बाकी लोकोमोटिव्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, यानी कि ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा डीजल का पैसा जो है ये भी बचाएगा। और इसी के साथ में इसका जो कार्बन एमिशन है वो बाकी लोकोमोटिव्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी कि ये लोकोमोटिव एक तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली लोकोमोटिव भी बन गया है। इसी के साथ में दोस्तों, इस लोकोमोटिव का जो ड्राइवर कैब है इसको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये इंडिया की जो एक्सट्रीम हीट है इसको आराम से झेल लेगा। अब इसका मतलब दोस्तों क्या है, इसका मतलब ये है कि करंटली हमारा जो समर सीज़न है वो चल रहा है, ऐसे में आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे रीजन जो है यहाँ पर जो टेम्परेचर है 40, 45, 50 के आसपास पहुँच रहा है। ऐसे में जब लोकोमोटिव का डेवलपमेंट किया जाता है तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती हैं लोकोमोटिव के डेवलपमेंट पे। तो इस लोकोमोटिव के अंदर HVAC के सारे प्रोविजंस जो हैं इनको ध्यान में रखते हुए इस लोकोमोटिव का जो डेवलपमेंट है वो किया गया है। अब ये HVAC क्या होता है, हीटिंग वेंटिलेशन एंड AC, इसका मतलब कि इस लोकोमोटिव के अंदर वेंटिलेशन की पूरी जो फैसिलिटी है वो भी है, और इसका जो ड्राइवर कैब है वो पूरी तरह से AC जो है वो बनाया गया है, यानी कि एयर कंडीशन है इसका ड्राइवर कैब। और इसी के साथ में इस लोकोमोटिव के अंदर यूरिनल की जो फैसिलिटी है वो भी दी गई है, जो कि अभी आप लोग यहाँ पर पास में देख ही सकते हैं। लास्टली दोस्तों, इस लोकोमोटिव के अंदर ट्रिप ऑप्टिमाइजर, लोको विजन और कैब सिग्नलिंग जैसी फैसिलिटीज़ जो है ये भी प्रोवाइड करी गई हैं। इसका मतलब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये लोकोमोटिव जो है ये काफ़ी सारे फीचर्स के साथ में फिल होकर आता है, और ये लोकोमोटिव काफ़ी ज़्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस जो है ये इंडियन रेलवेज़ के ट्रैक के ऊपर देने वाला है। पर्टिकुलरली इस लोकोमोटिव का डिज़ाइन किया गया है DFC के लिए, यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए। काफ़ी सारे रीजन जो है ये DFC के खुल चुके हैं, लेकिन काफ़ी सारे अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। DFC के करंट स्टेटस को अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई
आई थी रिसेंटली, अभी आप लोगों पर आई बटन के ऊपर हाईलाइट होती हुई दिख रही होगी। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आई बटन के ऊपर क्लिक कर आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। लास्टली दोस्तों, यहाँ पर जो एक चीज़ बच जाती है, जो एक सवाल आप सभी लोगों के मन में हो सकता है, वो ये है कि जब इंडियन रेलवेज ने दिसंबर 2023 तक इसके सारे रूट को इलेक्ट्रीफाई करने का टारगेट लिया है, तो फिर इंडियन रेलवेज ने इतना बड़ा 1000 डीजल लोकोमोटिव बनाने का जो ऑर्डर है ये जनरल इलेक्ट्रिक को क्यों दिया है। दोस्तों, इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ में समझाने की कोशिश करूं तो ये आप लोगों को शायद थोड़ा ज़्यादा क्लियर रहेगा। सबसे पहले एग्जांपल दोस्तों, रिसेंटली आप सभी लोगों को पता है कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जो साइक्लोन एम्फन है ये आया था। ऐसा ही अगर आगे जाकर कोई साइक्लोन आता है या फिर और कोई नेचुरल कैलिमिटी आती है जिसकी वजह से हमारे जो ओएचई पोल्स वगैरह रहते हैं, ओएचई वायर्स रहते हैं, वो गिर जाते हैं, तो ऐसे में डीजल लोकोमोटिव जो है यही ऑपरेट कर पाएंगे, हमारे जो इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव हैं वो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डीजल लोकोमोटिव का जो एलिमिनेशन है वो किसी भी रेलवे से नहीं किया जा सकता। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। दोस्तों, अपनी ट्रेन ट्रिप्स के दौरान में आपने इस तरह के जो सब स्टेशंस रहते हैं इनको ज़रूर से देखा होगा। दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक सब स्टेशंस रहते हैं। मान लीजिए अगर ऐसा ही कोई इलेक्ट्रिक सब स्टेशन है जिसमें आग लग जाती है, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन में वापस से बिजली जो है ये नहीं जा पाएगी और वहाँ पर वापस से इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव जो है इनका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। ऐसे में दोस्तों, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर वापस से डीजल लोकोमोटिव को ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो काफ़ी सारी ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस रहती हैं जहाँ पर डीजल लोकोमोटिव से काम आते हैं। कई बार इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स के काफ़ी सारे एडवांटेज होने के बावजूद भी वो लोकोमोटिव्स इमरजेंसी कंडीशन में काम नहीं आ पाते। दोस्तों, आप लोगों का इस 6000 हॉर्स पावर के WDG 6G लोकोमोटिव के बारे में क्या सोचना है, आप लोग अपने व्यूज़ को ज़रूर से शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ में दोस्तों, एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐडअप कर देता हूँ कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंडर में बन रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर GE के इंजीनियर्स और हमारे इंडियन इंजीनियर्स जो हैं ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये जो इंडियन इंजीनियर्स हैं ये आगे जाकर इन लोकोमोटिव्स का जो प्रोडक्शन है ये कैरी ऑन कर सकते हैं। इसका मतलब कि इस प्रोजेक्ट में कुछ भी बुरा नहीं है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मत लिखिएगा कि इम्पोर्ट नहीं करना चाहिए था, GE से नहीं बनवाना चाहिए था, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये इंडियन रेलवेज को काफ़ी ज़्यादा फायदा देने वाला है। इसी के साथ में दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो उसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा और अगर आप लोगों को ऐसे ही टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएं। और दोस्तों, मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बी ए ट्रैवलर, बी ए एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।